आज दिल्ली राज्य के वाम दलों सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआई, एमएल, आरएसपी, एआईबी, एफबी और सीजीपीआई ने मोदी सरकार से सवाल करने एवं उनकी आलोचना करने वाले मीडिया को चुप कराने की बेशर्म कोशिश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के सभी इलाकों से सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। एक आवाज में लोगों ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की तत्काल रिहाई की मांग की है। उपस्थित सभी लोगों ने स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ आरएसएस, भाजपा के इन हमलों का निंदा की है। इस अवसर पर बोलते हुए सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड वृंदा करात ने कहा कि पत्रकारों की गिरफ्तारी केंद्र में आरएसएस, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देश पर एक साजिश है। इन पत्रकारों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईबी पिछले 3 साल से जांच कर रही थी और उन्हें कोई सबूत भी नहीं मिला है। ईडी के केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई थी, जिस पर अंतिम सुनवाई 9 से 11 अक्टूबर को होनी थी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व वाली दिल्ली पुलिस के द्वारा यूएपीए जैसी गंभीर धाराओं में नए झूठे केस बनाकर इन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की गिरफ्तारियों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ने न्यूज क्लिक के खिलाफ झूठे सरकारी प्रचार को नकारने का काम किया है। वृंदा करात ने कहा कि आपातकाल के दौरान जेल की सजा काटने वाले और वैज्ञानिक सोच के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी मोदी सरकार की एक शर्मनाक कार्रवाई है। उनके अलावा अमरजीत कौर सीपीआई, जी देवराजन एआईएसबी, एआईएफबी रवि राय सीपीआई, एमएल आरएस डॉगर आरएसपी प्रकाश राव सीजीपीआई ने भी अपनी बात रखी। बैठक की अध्यक्षता सीपीआईएम राज्य सचिव कॉमरेड के एम तिवारी ने की है। प्रदर्शन में नोएडा से सीपीआईएम नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, रेखा चौहान, राम स्वास्थ्य आदि के नेतृत्व में दर्जनों माकपा कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। साथियों, अभी आपके सामने आकाशवाणी कांग्रेस पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर हमें झंडा करेंगे। सामने मेरे प्रिय साथियों, आज देश भर में एक विरोध की आवाज इस हमले के खिलाफ उठ रहा है। देश के शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन नहीं हुए होंगे। तमाम पत्रकार, तमाम जनजात के लिए लड़ने वाले ट्रेड यूनियन, किसान सभा, महिला संगठन, युवा छात्र संगठन और वाम दलों ने, और इसके साथ साथ जो इंडिया प्लेटफॉर्म में शामिल जितने भी दल हैं, सबने इसका विरोध किया। कहने का अर्थ ये है कि मोदी सरकार ने जो प्रयास किया कि न्यूज क्लिप को अलग अलग करके चीन के साथ जोड़कर एक ऐसी विचारधारा के आधार पर झूठ की पुलंदा को तैयार करके न्यूज क्लिप को अलग करके हमला करेंगे, वो पहले स्तर पर ये साजिश जो उनकी रही वो पूरी तौर पर फेल हो गई है। और देश भर में ये जो झूठ बोला गया वो झूठ का खुलासा हुआ है इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के द्वारा, जिसमें वाम दलों का एक बहुत अहम भूमिका रही है, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हकीकत ये है साथियों,
कि जो पत्रकारिता पर हमला है उस पत्रकारिता आजाद पत्रकारिता पर हमला को छिपाने के लिए अगर कोई भी धारा 120 भी जो साजिश का धारा है अगर किसी का ऊपर लगना चाहिए वो लगना चाहिए मोदी सरकार पर, वो लगना चाहिए संघ परिवार पर। आज सुबह हमने ऑर्गेनाइजर का